अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी क्वेश्चन 12 तक की, हम चैप्टर 6 की प्रॉब्लम देख रहे थे जी। तो क्वेश्चन 13 है कि हमारे पास फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द एल एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल जी फॉर एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन पी डी एंड एफ स्टेट। हमने परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले परसेंटेज डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द फ्रैक्शनल डिफरेंस बिटवीन एल एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एल जी इज़ फॉर गिवन, लाइक जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एल माइनस एल जी ओवर एल। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिफरेंस है, यानी दोनों का आपके पास डिफरेंस ओवर एल इज़ इक्वल टू, जबकि एल को हम डिफाइन करते हैं एल इन टू एल प्लस वन, और माइनस एल जी को हम डिफाइन करते हैं एल जी इंटू एच कट। तो एच कट इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इधर भी एच कट होगा और इधर भी एच कट, और नीचे यहाँ पे एल हमारे पास होता है एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। तो एच कट से कैंसिल अपर एंड में, और हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन। ठीक है जी। अब फॉर पी स्टेट हमारे पास पी, जब पी होता है तो एल इज इक्वल टू वन होता है, एंड हमारे पास ये जो फैक्टर है फ्रैक्शनल लॉस वाला, यानी ये वाला, अगर आप एल इज इक्वल वन पुट करेंगे इसमें हमारे पास, तो वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है 0.29%। ठीक है। और इस तरीके से फॉर डी स्टेट हम एल इज इक्वल टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसी ये जो आपके पास फार्मूला है ये वाला, इसमें आप पुट करेंगे एल इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये बनेगा वन माइनस अंडर रूट टू ओवर थ्री एंड दिस, एंड इस तरीके से हमारे पास जो एफ है उसमें एल इज इक्वल थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज भी आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है 14। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल सिमेट्रिक एंड व्हाई। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरी विद पोलर एंगल एक्सेप्ट फॉर द एस इलेक्ट्रॉन। जो एस इलेक्ट्रॉन है उसमें हमारे पास एल की जो वैल्यू होती है 0 होती है, एंड एम एल की वैल्यू भी 0 होती है। द वैल्यू ऑफ थीटा एल एम, यानी इसका जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, जो कि कांस्टेंट होता है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर आप इसमें डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू थीटा स्टेरिक और थीटा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, यानी जो थीटा की वैल्यू क्या है खुद हमारे पास है 1/√2, ये तो 1/√2। तो अगर इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो भी यही आएगा, तो फिर जब इसका तो 1/√2 हो जाएगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दिस फैक्ट कम्बाइंड विद दिस सिमेट्री अबाउट जी एक्सिस शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकल सिमेट्री। क्योंकि जब भी हमारे पास एस ऑर्बिटल होता है तो एल इज इक्वल टू जीरो कोरस्पॉन्ड एस, तो हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन एस इलेक्ट्रॉन हैज सेम वैल्यू एट गिवन इन आर इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल सिमेट्री कब होती है एंड क्यों, क्योंकि हमारे पास आप देख रहे हैं कि जो थीटा टू है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई इसमें हमारे पास चेंजिंग पैरामीटर किस 1/√2 कॉन्स्टेंट है, इसका जो वेव फंक्शन है ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है। तो इस वजह से ये वेरी नहीं कर रही। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है इसका, अगर आप देखें तो हमारे पास कहते हैं इन सेक्शन 6.7 इट इज स्टेटेड दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर वन एस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द बोहर इज द बोहर रेडियस ए, कि हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं उसका डेरिवेटिव लेके जीरो की इक्वल फाइंड कर लेंगे, तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबल या मैक्सिमम वैल्यूज़ की वो देगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो पहले वन एस है, तो वन एस का मतलब है कि एन इज इक्वल टू वन है और ऑर्बिट आपके पास एस, यानी एल इज इक्वल टू आप इसमें जीरो कह लें। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है कोरस्पॉन्ड रेडियल पार्ट ऑफ दिस, हमारे पास आर वन जीरो होगा क्योंकि एन इज इक्वल टू वन एंड एल इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आर एन एल होता है एक्चुअली फंक्शन में, आर एन एल एन की जगह वन, एल इज इक्वल टू जीरो। तो जो रेडियल इसमें अगर आप देखें हमारे पास इसका होता है जो आपके पास पोटेंशियल फंक्शंस, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यानी आर एन एल विल बी इक्वल टू
टू ओवर ए नॉट, टू आर ओवर ए नॉट 3/2, और यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोनेंशियल माइनस आर ओवर ए नॉट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इधर से ये यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी यानी ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का हमें हमारा मकसद नहीं था कभी भी। हम प्रोबेबिलिटी जस्ट हमने लिख लिया उस वेव फंक्शन का जिसमें हमारे पास एन इज इक्वल वन एन एल इज इक्वल जीरो है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने मोस्ट प्रोबेबल स्टेट फाइंड करना है। डेरिवेटिव लेंगे जस्ट इस फंक्शन का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला है, और इज इक्वल टू जीरो किया, ये चीज़ तो जीरो नहीं हो सकती, ये जो चीज़ है ये जीरो होगी। तो यहाँ से आपको देखेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू ए नॉट आएगा, क्योंकि आर जीरो है और एक आर इज इक्वल टू नॉट। कहते हैं फॉर एट एक्सट्रीमम आर एट आर इज इक्वल टू जीरो प्रोबेबिलिटी जीरो, ये तो मैक्सिमम नहीं है, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, दस मोस्ट बी मिनिमम डी पी और डी आर एंड आर। तो हमारे पास वो कहता है कि जब आर इज इक्वल टू ए नॉट पे हम वैल्यू आर इज इक्वल टू ए नॉट पुट करेंगे यहाँ पे ये वाली फंक्शन में, यानी आर इज इक्वल टू ए नॉट पुट करेंगे यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मैक्सिमम। अगर हम आर इज इक्वल टू इसमें दो जीरो पुट करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे देखें इसमें जीरो पुट करें तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम आ रही होती है। तो हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो आर इज इक्वल टू ए नॉट भी होगी, यानी इसका डेरिवेटिव जब आपने जीरो किया। जी 16 क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ सेक्शन 7.6.7 इट इज स्टेटेड दैट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर 2p इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 4a0 विच इज़ द सेम एज द रेडियस ऑफ द एन इज इक्वल टू बोर ऑर्बिट। तो सबसे पहले आप एन इज इक्वल टू एंड एल इज इक्वल टू 1 के लिए 2p स्टेट की वेव फंक्शन लिखेंगे, और फिर उसका हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं रेडियल पार्ट के लिए हमारे पास होता है आर स्क्वेयर इंटू आर मार्ट स्क्वेयर, जो भी वेव फंक्शन है उसका हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरीके से लिखते हैं आर स्क्वेयर एंड आर टू 1, या जो भी वेव फंक्शन है उसका मार्ट स्क्वेयर। तो एन इज इक्वल टू 2 है और एल इज इक्वल टू 1, तो आर टू 1 हो गया एंड आर स्क्वेयर आर टू 1। वेव फंक्शन हमारे पास मौजूद है आपके पास जो बुक्स में हमने देखे सारा टेबल बना हुआ है जी। तो आर स्क्वेयर एंड उसका मॉडुलस स्क्वेयर, यानी जो हमारे पास ये वेव फंक्शन है आर टू 1 जो हमारे पास हमने डिराइव किए हैं फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ आर, यानी तो इसका आप कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हमारे पास ये नंबर इस तरीके से आर फोर और आर ये आ जाएगा। आप जरा इसका स्क्वायर वगैरह कुछ लेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अगर मैं इसको थोड़ा बहुत मैक्सिमाइज करूँ ताकि इसमें आपको नज़र आए जी, तो अब हमने क्या करना है क्योंकि मैक्सिमम फिर अगेन मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट फाइंड करने मोस्ट प्रोबेबल, तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू रिस्पेक्ट टू आर और इक्वल टू जीरो करेंगे। तो अब आप इजीली इसका डेरिवेटिव लेके, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास दो टर्म बाकी तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगी, इनका डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल नहीं है ये। तो हमने डेरिवेटिव लिया तो आर इज इक्वल टू 4a0 आया ठीक है। और ऑन द अदर हैंड फ्रॉम बोहर ऑर्बिट हमारे पास क्या आता है आर एन इज इक्वल टू a0 एम स्क्वायर, आप एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये देखिए एन इज इक्वल टू 2 पे ये क्या आता है 4a0 विद वेरीफाइड, और यही चीज़ हमने चेक करनी थी कि एन इज इक्वल टू 2 पे 4a0 आता है, और सेकेंड जो 2 1 वाला है यानी रेडियस रेडियल का 2 1 वाला फंक्शन यानी जिसमें एन इज इक्वल टू और एल इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 4a0 की इक्वल आता है और इधर से वो रेडियस भी यही आता है, तो यही हमने चेक करना था जी। इसके बाद कहते हैं कि फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एट 3d इलेक्ट्रॉन का मतलब एन इज इक्वल टू 3 है और ये डी ऑर्बिटल है। तो अब इसमें हमारे पास यूजिंग आर टू जीरो फ्राम टेबल हमने इसकी देखें, इसमें आर एन एन की वैल्यू इसमें आपके पास क्या होगी 2 0 फ्राम टेबल इन इक्वेशन दिस एंड इग्नोरिंग द लीडिंग कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं इंटेग्रल से, तो हम प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन में हम इसको काउंट नहीं करते, वुड नॉट अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द एक्सट्रीमम। तो हमारे पास 3d इलेक्ट्रॉन यानी आप इसमें आर एन एल होता है ठीक है, तो आप वो वाला वेव फंक्शन लिखेंगे 3d। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत मुझे इसमें थोड़ा डाउट है कि यहाँ पे आर टू ज़ीरो, क्योंकि आर टू ज़ीरो का मतलब यहाँ पे होता है आर एन एल ठीक है, आर एन एल होता है, तो ये आर टू ज़ीरो वेव फंक्शन नहीं है ठीक है, बल्कि है एन इज इक्वल टू 3, तो आर 3 है और L की वैल्यू इसमें क्या होगी आपके पास, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि जब s ऑर्बिटल होता है तो L इज इक्वल टू 0 होता है, जब p होता है तो L की वैल्यू क्या होती है 0 एंड 1 होती है 0 एंड 1 ठीक है, जब d ऑर्बिटल होता है तो s की L की वैल्यू क्या होती है 0 1 एंड 2 होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि या तो 0 वाला या 1 वाला या 2 वाला,
तो हम जीरो वाले के लेख लें, तो आर थ्री जीरो वेव फंक्शन होगा। आइडियल पार्ट का आर थ्री जीरो टेबल्स देखें और इसका आप कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो वो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटीज डेंसिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको, तो ये हमारे पास होता है आर स्क्वायर एंड आर मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। अब आर आपने देख लिया, आर स्क्वायर है और ये आर, ये वो वेव फंक्शन है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में क्या होगा, आर थ्री ज़ीरो वाला वेव फंक्शन हमने टेबल से लिख लेना है, जो हमारे पास आर थ्री ज़ीरो के लिए वेव फंक्शन है। तो इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और वो यहाँ पे इसका मॉडुलस लेंगे, ये मॉडुलस बन जाएगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को जब ऐसे मल्ली में, तो मॉडुलस बन जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी आर सिक्स एक्सपोनेंशियल माइनस टू आर ओवर ए नॉट थ्री नॉट, ठीक है। और लीडिंग कॉन्स्टेंट उसको हमने इग्नोर किया। अब अपनी मोस्ट प्रॉबेबल स्टेट फाइंड करें, तो हम इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो करेंगे। तो आप देखें इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमने बाहर ले लिया और बाकी का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, सिक्स आर पावर फाइव इज इक्वल टू दिस और आर इज इक्वल टू जीरो एंड नाइन एन आर। तो ये दो पॉइंट्स पे हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, नाइन एन आर पे एंड आर इज इक्वल टू जीरो पे, तो आर इज इक्वल टू नाइन एन आर पे हमारे पास क्या होगा, मोस्ट प्रॉबेबल वैल्यूज़ हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से मैंने आप इसमें नीचे शो भी करवाया है इसमें कि आप इस, ये जो टेबल है बुक्स में इस तरीके से ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी वेव फंक्शन आपको चाहिए आप या तो ये क्वेश्चन में गिवन होंगे या फिर इस तरीके से आप खुद भी, ये मुश्किल नहीं होती, आप इसको माइंड में रख के फाइंड भी कर सकते हैं जनरल पार्ट से जी। इसके बाद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिगर 6.11, ये मैंने 6.11 यहाँ पे केस भी किया है कि पी डी आर हैज़ टू मैक्सिमम फॉर ए टू एस इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एट विच दीज मैक्सिमम अकर। तो हमें वो आर की वैल्यू बताएं जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जी, तो 2s का मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 0 है, तो r 2 0 वाला वेव फंक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है आर स्क्वायर इंटू आर कोई फंक्शन का मॉडुलस, तो आर स्क्वायर और आर 2 0 का मॉडुलस। तो हमारे पास आर स्क्वायर तो पहले मौजूद है, आर 2 0 वेव फंक्शन आप टेबल से देख लेंगे और यहाँ पर इसका मॉडुलस यानी इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई करें तो आर मॉडुलस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये हम हमारे पास दो पॉइंट देगा, आर इज इक्वल टू ए नॉट ओवर टू देगा और एक हमारे पास आर इज इक्वल टू फाइव ए नॉट। तो ये दो पॉइंट्स पे हमारे पास, अब देखें ये हमारे पास फिगर यहाँ पे 2s वाला आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम, एक यहाँ पे मैक्सिमम है, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और एक यहाँ पे मैक्सिमम है फाइव एन आर पे। तो मैथमेटिक्स भी यही बता रही है और ग्राफ भी में यही ऐसा ही है, ये जो 2s वाला हमारे पास है इसको आप देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट प्रॉबेबल इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटीज रेडियल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा।